हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं दिन के एक और बस मैं अपनी कंघी कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर देती हूँ अपना। अभी तक मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया सुबह से, तो बस यहाँ पर मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कल से मैंने अभी तक कंघी वगैरह नहीं की है। और सुबह रहना है अभी इसलिए बहुत तेज हवा जाती है। और फ्रेंड्स, आप मेरे बालों की हालत देख सकते हैं किस तरीके से बाल उलझ रहे हैं, क्योंकि कल मेरी बेटी ने हेयर स्टाइल की थी और कल से वैसी ही बनी हुई है। अभी जब मैंने कहा चलो कंघी कर लेती हूँ, तभी निकाली हुई है पूरी हेयर स्टाइल। तो इस वजह से मेरे बाल ये देखिए कैसे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा घुंघराले टाइप से, तो सुलझाने में भी दिक्कत आ रही है और बहुत ज़्यादा टूट भी रहे हैं। लेकिन मैंने कहा अभी सुलझा लेती हूँ, नहीं तो फिर कल तक और ख़राब हो जाएंगे। वैसे बहुत सुंदर हेयर स्टाइल लग रही थी, बेटी ने की थी। कल हम लोग ऐसे ही बैठे हुए तो उसने कहा लाओ मम्मा मैं आपके बालों की हेयर स्टाइल कर देती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और शाम के टाइम की थी तो फिर मैंने मतलब जैसी उसने बनाई वैसी बनी रहने दी, मैंने निकाली भी नहीं, तो इस वजह से मेरे बाल घुंघराले हो गए हैं। और ये देखिए किस तरीके से, जब मैं इनको अब वॉश करूँगी तब भी वो ठीक होंगे। तो अभी तो मैंने बस सुलझा लिया है और जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि अभी अगर चोटी बनाऊँगी तो पूरे ऊपर से निकल जाएंगे। तो पापा जी आ गए थे इस वजह से। और ये देखिए सुलझ तो गए हैं, पूरे से सुलझ गए हैं, लेकिन जो घुंघराले हो रहे हैं ना वो ठीक नहीं होंगे, वो जब मैं बाल धो लूँगी ना तभी ठीक होंगे। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं जूड़ा ही बना लेती हूँ, चोटी तो बनाऊँगी नहीं, क्योंकि चोटी बनाऊँगी तो पूरे बाल निकल जाएंगे। छोटे छोटे बाल हैं तो वो निकल जाएंगे, इसलिए फटाक से मैं जूड़ा बना लेती हूँ। और ये देखिए ऊंच मतलब जैसे ही मैं कंघी कर रही हूँ ना, तो किस तरीके से लग रहे हैं मेरे आगे से बाल, कंघी से सही तरीके से मतलब हो भी नहीं रही है कंघी, लेकिन जैसे तैसे मैं जूड़ा बना लूँगी। और मैंने वॉइस रिकॉर्ड की है, क्योंकि वैसे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, वहाँ से ऑटो वगैरह जा रहे हैं सड़क पे से, तो इस वजह से आवाज़ बिल्कुल थोड़ी सी आ रही थी, इस वजह से मैंने बंद कर दी है। और आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्लेचर लगा लिया है और अब हम गौरी को भूसा रख देंगे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी रखी हुई थी तो पानी डालकर उनको गला दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी गला दी है मैंने, रखी हुई थी पानी में, गौरी को दूंगी भूसा में मिलाकर। तो चलिए हम भूसा में ये पूरी को मिला देते हैं जिससे गौरी आए और खा ले, क्योंकि ऐसे पूरी खिलाते तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करती, इसीलिए। भूसा इसमें मैं मिला देती हूँ पूरी अच्छे से बारीक करके। तो बस यहाँ पर ओम ने तो खा लिया है भूसा, ओम भूसा खाकर बैठ गया है। और ये बाल्टी में जो भूसा रखा हुआ था तो ये गौरी के लिए रखा हुआ है, लेकिन गौरी अभी आई नहीं थी, तो इस वजह से, क्योंकि सुबह से आ जाती है तो खा जाती है, लेकिन आज गौरी सुबह से नहीं आई है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो अब मिला कर रख देती हूँ उसको। मतलब सांधी बोलते हैं हम लोग, सांधी बनाई जाती है जैसे चुनी चापड़ खरी उसको खिलाई जाती है, जो भी जैसा खिलाना हो, लेकिन ये क्या है खरी भी नहीं खाती है, चुनी चापड़ तो खा लेती है, तो बस खरी तो मैं लाती नहीं, मंगवाती भी नहीं हूँ,
हाँ ये देखिए इस तरीके से जो भी घर में मतलब आटा हो या रोटी हो उनको गला दो और पूरे अच्छे से सांदी बनाकर उसको रख दो, तो बहुत अच्छे से खा लेती है गौरी, उसको बहुत पसंद है। ऐसे बनाकर रख दो सांदी तो पूरा भूसा जितना भी रखोगे ना पूरा खा के जाएगी। तो मैंने बना दिए फ्रेंड्स, और अब कर रहे हैं हम गौरी का इंतजार, और गौरी भी आने वाली है बस। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देख रही थी अभी तो गौरी नहीं दिख को, रही है फ्रेंड्स, क्योंकि गौरी आ गई है लेकिन लेकिन पास गौरी में आ गई गई है ना, थी। वहां पर अंदर चली गई है क्योंकि वो लोग उसको देते हैं गौरी, खाना वगैरह डाल देती हैं, तो उसको पता गौरी, होता है कि यहाँ पर मेरा आ, खाना आ, रखा होगा, तो आ, इसीलिए गौरी, जैसे आ, अगर यहाँ पर आती है गेट बंद मिलते हैं तो जो ईंट के उस साइड है ना वहां अभी यहाँ पर पे गली है वहां पर फ्रेंड्स, चली नहीं तो जाती है। गौरी उसका आ ये रोज जाती, का काम है, गौरी आ और आ सब लोग गौरी आ उसको यहाँ पर रोज ही गौरी देते हैं, और जो सब्जी बचती है आ वो गौरी देखना, आ, तो उसको आदत है रोज की, इस इधर वजह दिख से नहीं वो वहीं रही पर इतनी में, तो जाती अगर है। यहाँ पर होती ना तो तो गौरी बस फटाक वही से आ देख रही जाती। थी मैं कि आई है या नहीं, चलिए क्योंकि वो अभी थोड़ा गली वेट में गई है, करते जब मैं हैं कमी गौरी कर रही आने थी तब का। उसके पहले आई हुई थी लेकिन मैंने गेट नहीं खोले तो वो चली गई, तो बस उसी का ही इंतजार कर रही हूँ। और फ्रेंड्स धूप आप देख रहे हो कितनी तेज धूप है, और मैं बस वही आपसे कह रही हूँ यही कि गौरी इस गली में गई हुई है लेकिन आने वाली है क्योंकि वहां पर खाकर और आ जाएगी, ज्यादा नहीं रुकेगी। उसको भी पता है कि मेरा बेटा इंतजार कर रहा है ओम, इस वजह से आकर वैसे आवाज लगाती है लेकिन उसको याद था कि मुझे खाना खाने जाना है इस गली में, इसलिए उसने आवाज नहीं लगाई, आके खड़ी हुई और जैसे ही मैंने गेट नहीं खोला तो फिर आगे बढ़ गई, आने ही वाली है बस। तो चलिए थोड़ा हम अंदर बैठ जाते हैं, जब तक आ ही जाएगी 10-15 मिनट में वापस आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है क्योंकि वहाँ अंदर कुछ खाने रखा होगा तभी इतना टाइम लगा रही, नहीं तो आ जाती है 5-10 मिनट में। और यहाँ पर ओम भी इंतज़ार कर रहा है अपनी माँ का कि जल्दी से मेरी माँ आ जाए और मुझे दूध पिला दे, वैसे तो इसने भूसा खा लिया है। और चलिए फ्रेंड्स हम एक बार और देख लेते हैं गौरी को कि गौरी आ रही है या नहीं, नहीं तो फिर हम अंदर चलते हैं, गेट लगा हुआ है अभी तो आएगी नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स गौरी आ गई है और सामने खड़ी हुई है, आपको दिख रही है शायद नहीं, जो ईंट है उसके पास में ही खड़ी है, ईंट की वजह से दिख नहीं रही है, जो ईंटें रखी हुई है ना उसके पास में ही खड़ी है, वहाँ पर भी कुछ रखा हुआ है तो वो खा रही है, तो वो खाकर वो आ रही होगी लेकिन वहाँ पर कुछ रखा था तो खाने लगी, आपको दिख रही होगी शायद पास में जो दिख रहा है वाइट वाइट सब वो गौरी ही है, आप खुद देख सकते हैं उसकी पूंछ भी हिल रही है, और बस वो खाकर अब सीधा आएगी वो घर, तो उसी का इंतज़ार कर रही हूँ मैं भी कि ये आ जाए, अभी कुछ खा लेगी पूरा ख़त्म करके ही आएगी, ऐसा नहीं कि मतलब पहले आ जाए, ख़त्म हो जाएगा इसके बाद ही आएगी। तो अब मैं भी करती हूँ उसका इंतज़ार, क्या कर सकते हैं जब तक गौरी नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम गेट लगा देते हैं, आएगी तो फिर से हम गेट खोल देंगे, और मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी अंदर चली जाऊँगी और कोई आएगा तो गेट खोल देगा, तो गौरी अब पूरा दूध पिला देगी ओम को, तो इसीलिए मैं अंदर चलती हूँ और देखती रहूँगी कि गौरी आ गई है या नहीं, जैसे ही आएगी वैसे ही हम गेट खोल देंगे और फिर हम करेंगे गौरी का मिल्किंग। तो आप लोग देख सकते हैं गौरी आकर भी चली गई है, कभी कभी ऐसा ही होता है जिसका इंतज़ार होता है ना तो वो उस टाइम नहीं आता है, जब वो हमारा इंतज़ार कर रही थी तो हम नहीं आए थे, अब हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और धूप आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इतनी गर्मी लग रही है धूप की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप बहुत तेज है बहुत ज़्यादा, मतलब गर्माहट सी लग रही है, इतनी बारिश होने के बाद भी गर्मी पूरी तरीके से नहीं गई है। चलिए सो अब हम चलते हैं अंदर, और ये देखिए फ्रेंड्स गौरी आ गई है, ये देखिए फ्रेंड्स गौरी आ गई है। क्या हो गया जुम्मी? ये देखिए गौरी को, ये रख दिया मैंने गौरी का खाना, लो गौरी ये है, गौरी
गौरी ये है, चलो ये खा लो। ये देखिए फ्रेंड्स, गौरी खा रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके कितने पिस्सू हो रहे हैं ये कीड़े, ये देखिए बहुत ज्यादा। तो अभी मैं इसको नमक पानी में मिलाकर लगा दे रही हूँ। मैंने यूट्यूब पर देखा है तो उसमें बता रहे हैं कि पानी में नमक मिलाकर और लगा दो। और अगर आप लोगों को किसी को भी पता है कि इसके कीड़े कैसे निकालूं, दवा भी लगा दी है, सब कुछ कर लिया है लेकिन कीड़े नहीं निकल रहे हैं, तो मैं अभी ये और देख लेती हूँ। नमक पानी दोनों इसको लगा देती हूँ मिलाकर। इसमें फ्रेंड्स नमक मिला दिया है पानी में, और इसको मैं गौरी को लगा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको लगा देते हैं नमक वाला पानी, जिससे इसके जो कीड़े हैं ना छोटे छोटे, वैसे तो बहुत पहले और भी बड़े लगे थे लेकिन वो अपने आप झड़ गए, और लेकिन बस छोटे छोटे रह गए हैं। तो मैंने कहा नमक का पानी लगा देती हूँ, इससे भी झड़ जाएंगे। वैसे तो मैंने बहुत जो चीज़ें बताई हुई थी, किसी ने भी बताया कि प्याज का रस लगा दो, तो प्याज का रस भी लगा दिया था। किसी ने बताया जर्दा उबाल कर लगा दो, जो तम्बाकू होती है ना, तम्बाकू उबाल कर लगा दो, तो मैंने तम्बाकू भी उबाल कर लगा दिया है, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तिवारी जी दवाई भी लेकर आ गए हैं डॉक्टर से, लेकिन उससे क्या होता है, दवाई जैसे ही लगाती हूँ ना तो इसको लाल लाल हो जाता है, इस वजह से मैंने दवाई लगाना बंद कर दिया है। और अब ये यूट्यूब पर देखा नमक वाला पानी, तो ये भी मैंने लगा दिया है। और लगाने के बाद ओम को छोड़ दिया है अपनी माँ का दूध पीने के लिए, क्योंकि ओम भी इंतज़ार कर रहा है फ्रेंड्स, बहुत देर से देख रहा था वो भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं गौरी की करूँगी मिल्किंग, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। Thank you.